होली के त्योहार पर अपने घर जाने को लेकर रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ गई है। आम यात्रियों की को तो परेशानी हो ही रही है, जिन्होंने सीट रिजर्व कराई है उन्हें भी ट्रेन में चढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहार पर कुछ भीड़ है, लेकिन सीट रिजर्व करवाकर जाने वाले यात्री सुविधाजनक यात्रा आकर कर रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए मशक्कत कर रही ये भीड़ का नजारा अंबाला रेलवे स्टेशन का है, जहां पर यात्री होली का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जा रहे हैं। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी सैकड़ों यात्री ट्रेन में चढ़ने से रह गए और अगली ट्रेन के आने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही इंतजार करने लगे। ये लोग यूपी बिहार सहित अन्य शहरों के लिए अपने घर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि होली का त्यौहार अपने घर पर मनाएंगे। इन लोगों के घर का सफर काफी लंबा है और इस तरह से भीड़ रही तो शायद ये लोग होली निकल जाने के बाद ही अपने घर पहुँच पाएंगे। यहाँ गाड़ी पकड़ने भीड़ बहुत चल रही है, इसमें असुविधा पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए पर्व में, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, गाड़ी तो वही है ना सर, तो भीड़ तो होगी ही। अभी फिलहाल गिरते बच गए यहाँ पर, मैं आपके सामने भी यहाँ पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी की व्यवस्था करें, पब्लिक को सुविधा दें। मैंने रात के मैं 3 बजे का पड़ा हूँ यहाँ से, सब निकल गई ट्रेन है, भीड़ ही इतनी आ रही है सर, क्या कर सकते, मुरादाबाद जा रहे हैं सर। बहुत भीड़ है गाड़ी में, इतना ज्यादा भीड़ है कि गाड़ी चल नहीं सकता बंदे। किस गए होली के वजह से भीड़ हो रहा है, त्योहार के वजह से, बिहार का त्योहार है इसलिए। जगह कहाँ मिले जी, बंदे तो इसी लेट के जा रहा है, बंदे ऊपर चढ़ के जा रहा बंदे के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यात्रियों को हो रही परेशानियों से रेल विभाग अनजान है, वे भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इंतजाम करते रहते हैं ताकि यात्रियों को आरामदायक सफर करने को मिले। लेकिन यात्रियों की बढ़ती भीड़ के आगे रेलवे के सभी प्रयास नाकाफी रहते हैं। जो है हमारा ये होली से 2 दिन पहले तक थोड़ा रहता है, इसके लिए विशेष ACM साहब की निगरानी में स्टेशन पर एक विशेष सेल बनाया गया है, जिसमें ACM महोदय इसको मॉनिटर करते हैं, जिसमें निर्देश दिए गए हैं सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर द्वारा कि कोई भी गाड़ी की बर्थिंग चेंज होगी प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा, यात्रियों की सुविधा के लिए कोई भी रश नहीं रहेगा, सेपरेट वेटिंग, अगर रश पड़ता है तो वेटिंग एरिया थोड़ा आइडेंटिफाई किया जाएगा। UTS के एक्स्ट्रा काउंटर्स हम लोग 16-24 में खोल रहे हैं, अगर रश पड़ता दिखता है तो हम लोग एडिशनल काउंटर्स ओपन कर देते हैं। बहरहाल त्योहार के मौके पर लोगों घर जाने में काफी परेशानी हो रही है, साथ ही यात्री रेलवे के इंतजाम से भी नाखुश हैं, जिससे ट्रेन में चढ़ने उतरने में भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन रेल प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। कृष्ण वाली, टोटल न्यूज, अंबाला।